दोस्तों आज जो कॉम्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पिंकी और फिल्म एक्ट्रेस। ये पिंकी कॉमेडी कॉम्स है, पिंकी सपना देख रही है एक्ट्रेस बनने का, तो देखते हैं इसको। फिल्म एक्ट्रेस। टेलीग्राम न जाने किसका तार आया, कहीं कोई अशुभ घटना न घटी हो। हुर्रे बिम्बी, मैंने मशहूर फिल्म एक्ट्रेस विशा कुमारी को जो चिट्ठी लिखी थी उसके जवाब में उसने मुझे लंच पर बुलाया है। क्या यह विशा कुमारी वही वही एक्ट्रेस नहीं है जिसकी हर फिल्म गोल्डन जुबली मनाती है? हाथ में तुमने ठीक पहचाना, आज मेरा दोपहर का खाना मत बनाना, पिंकी से बचना, कहीं मैं तुम गुमराह न कर दे। कहीं आप झपट जी तो नहीं है? हाँ रोशन लाल, चेहरा छुपाने का क्या मतलब? कहीं पिंकी मुझे पहचान न ले, वह मुझे बातों में इतना उलझ जाएगी कि मुझे जाना वहां देर हो जाएगी। अच्छा चलता हूँ, अलविदा। कहाँ भागे जाते हो? मैं होलदार डंडा दीन 99 चोर पकड़ चुका हूँ और 100वें की तलाश में हूँ ताकि मेरी पूरी सेंचुरी बन जाए और मेरी तरक्की हो। मगर होलदार साहब मैं चोर नहीं हूँ, सारे चोर यही कहते हैं। अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर मुंह छुपाए क्यों फिर रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन। मर गए। रुको होलदार डंडा दीन, मैं इन्हें पहचानती हूँ, यह झपट जी है, एक शरीफ आदमी। माँ अपना गलतफहमी होगी, चोर पकड़ने की सेंचुरी बनने से पहले ही मैं आउट हो गया। धन्यवाद पिंकी, तुमने मुझे बचा लिया, अब तुमसे चेहरा क्या छुपाना। आप कहाँ जा रहे हैं? फिल्म एक्ट्रेस विशा कुमारी ने मुझे लंच पर आमंत्रित किया है। ऐसा? मैं वहीं जा रही हूँ, चलो दोनों मिलकर स्वादिष्ट खाना खाएंगे। विशा कुमारी, एक किधर जाता है? अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। मगर पठान जी, मैं विशा कुमारी ने खुद लंच पर आमंत्रित किया, देखो देखो टेलीग्राम। अच्छा जाओ, बाप रे इतना बड़ा बंगला, जितनी बड़ी एक्ट्रेस है उतना बड़ा ही घर होगा। वाह, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल और इतने सारे पकवान, लगता है एक्ट्रेस को खाने का बहुत शौक है। विशा विशा कुमारी से मिलना है, वह भी शूटिंग से नहीं आई, उधर बैठकर इंतजार कर कीजिए, पता नहीं कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते? हर खर सो गया। झपटी जागी, अगर विशा कुमारी ने आपके खर्राटे सुन लिए तो हमें ऐब बदर समझेगी, जरा लग गई थी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, भूख लगी है। इतने सारे पकवानों को हम क्या खाएंगे और क्या छोड़ेंगे? जो एक्ट्रेस आएगी खाएगी वही हम भी खाएंगे, सीधी सी बात है, समझ गया। विशा कुमार जी आ गई हैं। सलाम मैम साहब। नमस्ते, आप फिल्मों में जैसे दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। बैठिए खाना शुरू करें। अरे भाई मेरे लिए पान लाओ। मैं आजकल डाइटिंग पर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर मुझे स्लिम होने को कह रहे हैं। मर गए। सस झपट जी, हमें शिष्टाचार शिष्टाचार के नाते वही खाना जो हमारी मेजबान खाएगी, इससे वह खुश होगी। लाइए हम एक एक पान हम भी खाएंगे। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? अपने घर को, भूखे हमारे पेट में बम फट रहे हैं। झूठ मत बोला कि तुम खाना खाकर नहीं आए, भरपेट खाना खाने के बाद पान खाते हैं और तुम्हारा मुंह पान से अभी तक लाल है। नानी का उपवास। नानी माइम ते आने पास होगी, तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। पिंकी तुम्हारे पास होने की मुझे खुशी है, मुंह खोलो मैं बर्फी खिलाती हूँ। नहीं आज मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इसे मैं रख लेती हूँ, कल खाऊंगी। मैं भी लौट कर आई। नानी को तुम खा नहीं सकती, कुछ पी तो सकती हो, लो कोल्ड ड्रिंक पिलाई हूँ। हा, नहीं है भी नहीं, उपवास वाले दिन में पानी भी नहीं पीती, समझी? अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो डॉक्टर इन्फ्लुएंजा के पास जाकर मेरी दवाई ले आओ। चलो मैं नानी के, कुछ तो काम आई। डॉक्टर साहब मेरी नानी की दवाई दे दीजिए। रुको देता हूँ, एक खुराक अभी, दूसरी दोपहर को और तीसरी रात को पीनी है। नानी आपकी दवाई दिन में 3 बार पीनी है। नानी पहले दवाई पी लेने दो फिर बात करना। हाँ आप बोलो पिंकी। नानी, डॉक्टर साहब ने दवाई में पानी मिलाया था जो आप पी गई, उपवास टूटा या नहीं? बड़ा तरबूज, हमें एक तरबूज खरीदना है, एक तरबूज लगभग 15 रुपए का आएगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं। तो फिर ककड़ी खाकर अपना शौक पूरा कर लो, फिक्र मत करो, अगर हम सीधा खेत से तरबूज खरीदे तो सस्ता मिलेगा। ठीक है बिथी, खेत आ गया। अभी किशन किसान हमारा इंतजार कर रहा है, वह किसान नहीं, वह चिड़िया और जानवर भगाने वाला पुतला है, वेरा खेत का मालिक। हमें एक तरबूज चाहिए लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। तरबूज मिल जाएगा लेकिन एक बार खरीदा हुआ माल मैं वापस नहीं लेता। मंजूर है, लीजिए पैसे, इतने सारे तरबूज हमें देखभाल कर एक चुनना है।
इसे ले ले, नहीं ये छोटा इधर आओ बिथी, यह कैसा रहेगा? वह यह शायद सबसे बड़ा तरबूज, हम इसे खाएंगे और इसके छिलके हमारी गाय खाएगी। हम इसे लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा तरबूज बाजार में 40 रुपए से कम का नहीं आएगा। भगवान लड़कियां उसे उठा नहीं पाएगी और वह यहीं रहेगा। ओह उठ नहीं रहा, छोटा तरबूज लेते तो अच्छा था। सौदा उचका, यहाँ माल बदला नहीं जाता। मैं किसी मजदूर को लाती हूँ, एक तरबूज रेडी पर रखकर हमारे घर पहुंचाना है। गाड़ी भाड़ा 10 रुपए होगा। माल की कीमत से ज्यादा उसे ढोक ले जाने की मजदूरी है। हम इसे ढकेल कर ले जाते हैं। वो चढ़ाई आ गई, ढलान पर कुछ रात मिलेगी। सारे देवर उतारो, नहीं तो वह दो डग गया। पकड़ो धड़ाक। तुमने मेरे जेवर लुटने से बचाए, मैं तुम्हारे तरबूज को टैक्सी पर रखकर तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। मच्छर का शिकार कर्नल साहब क्या कर रहे हैं? पिंकी, मैं अपनी तस्वीर साफ कर रहा हूं। लेकिन ये आपकी तस्वीर नहीं है, इसमें जो व्यक्ति है उसकी मुझे काली है। हा हा हा, यह मेरी जवानी की फोटो है। दूसरे महायुद्ध में मैंने बड़े कर्तव्य दिखाए थे, यह फोटो तब खींची गई थी। उस टाइम टैंक पर कौन सवार है? वह भी मैं हूं। यह तब क्या जब मिलिट्री एक्सरसाइज पर गए थे। यह मेरी तस्वीर भी जंग के दौरान की है, और यह तस्वीर मेरे रिटायर होने के बाद की। मुझे शिकार का शौक था, यह खूंखार रिचमैन जंगल में मारा था। यह आपका शौक था? हाँ, वैसा जैसे तुम्हें गुड़ियों से खेलने का शौक है। रिच तो खतरनाक जानवर है, शायद जब वह सो रहा था तब आपने उसे मारा होगा। सोते पर वार करना कायता है। हमारी सामने सामने लड़ाई हुई और जानवर मारा गया। यही नहीं, मैं अब तक शिकार में 5 शेर 2 हाथी 8 चीते और 12 लकड़बग्घे मार चुका हूं। कर्नल साहब, आपके गाल पर मच्छर बैठा है। तड़ाक, वह उड़ गया, उसका मरना जरूरी है। वह फैंसी लाइट पर बैठ गया, एक ही भरपूर हाथ से उसका कचुमन निकल जाएगा। तड़ाक, मच्छर अभी जिंदा है, मैं उसे गोली से भून दूंगा। तड़ तो तड़, वह आपकी नाक पर बैठा है, एक मच्छर तो आप मार नहीं सके। शेर और चीते का शिकार क्या किया होगा? टीवी टेलीकास्ट। देखो मंत्री ढोल साहब क्या कर रहे हैं। अंकल डोल जी, आज आप बंद सो रहे हैं क्या? किसी शादी में जाना है? ओ यह बला कहां से अटपकी। पिंगी, फिलहाल तुम ऐसे जाओ, आज मैं व्यस्त हूं। क्या पार्लियामेंट में भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम, एक टीवी टीम मेरा इंटरव्यू लेने आ रही है। मिनिस्टर साहब, तभी आप अपना मेकअप कर रहे थे, वह तो शूटिंग के लिए करना ही पड़ता है। जरा सोचो, जब टीवी पर लाखों लोग मुझे देखेंगे तो मेरी खूबसूरत पर्सनैलिटी का उन पर असर पड़ना चाहिए कि नहीं? मैंने शूटिंग कभी नहीं देखी, मैं यहां रुककर आज उसे देखूंगी। सिर्फ एक शर्त पर कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी, मैं वादा करती हूँ। दो टीवी वाले भी आ गए। यह उपकरण लगा लीजिए, इससे आपकी आवाज रिकॉर्ड होती रहेगी। एक्शन। मिनिस्टर साहब, आप आजाद भारत के बारे में कुछ बताएंगे? यह आजादी हमने लाखों कुर्बानियां देकर हासिल की है। गांधी जी के साथ मिलकर मैंने सत्याग्रह किए। ब्रिटिश साम्राज्य की गोलियों से कई बार मेरा जिस्म छलनी हुआ, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ और जनता की सेवा करने के लिए मैं मिनिस्टर बना। महोदय, क्या आप राष्ट्रीय गान सुनाएंगे? हैं, वह तो मुझे याद नहीं। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। एक मिनट रुकना, माइक्रोफोन मैंने फिट कर दिया, अब राष्ट्रीय गान गा सकती हो। कैमरा। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। राष्ट्रीय गान के अलावा और कोई कविता जानती हो? गाते जाते दिनों पंडा उचारे हमारा झंडा। धन्यवाद, चलते हैं। यह प्रोग्राम आज रात 8 बजे टेलीकास्ट होगा। रात 8 बजे मैं अपना इंटरव्यू देखने के लिए बेताब हूँ। वे आदमी क्या जिसे अपने देश का राष्ट्रीय गान ना आता हो, इसलिए हम मिनिस्टर के बजाय एक बच्चे का प्रोग्राम दिखाएंगे। सांप सीढ़ी। दादाजी, क्या आप मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलोगे? नहीं, यह मेरा सोने का टाइम है। मगर आपने तो कहा था कि दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए होती है। मेरी उम्र के लोग दोपहर को भी कुछ देर के लिए झपकी लेते हैं। खर खर सो गया, वैसे हो गए। मैं ब्लॉक में किसी और को ढूंढती हूँ। ट्रेन ट्रेन। आंटी, क्या झपट अंकल इस वक्त सो रहे हैं? नहीं, वे टेलीफोन सुन रहे हैं। तब तो वे मेरे साथ जरूर खेलेंगे, मैं इंतजार कर लेती हूँ। वे कितनी देर तक फोन पर व्यस्त रहेंगे? सारा दिन। दूसरी तरफ पंडित जी उन्हें महाभारत सुना रहे हैं। मैं उतनी देर इंतजार नहीं कर सकती, खेल के लिए कोई और मुझे मिल जाएगा।
बिथी क्या तुम्हें सांप सीढ़ी का खेल पसंद है? बहुत पिंकी, तो फिर आओ हम दोनों एक दो बाजिया खेल लें। काश मैं खेल सकती। क्यों? मेरे हाथों में मैं मेहंदी लगी है, मैं पासा कैसे फेंकूंगी? कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। आंटी क्या भिखू घर में है? आज वह पूरा दिन बाहर नहीं जाएगा, तब तो काम बन गया। भिखू क्या सांप सीढ़ी खेलोगे? फिर कभी आज सारा दिन मैं क्रिकेट मैच देखूंगा, इसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तड़ाक बेबी, तुमने मेरे सिर पर पत्थर क्यों मारा? सॉरी, मुझे गुस्सा आ रहा था कि कोई मेरे साथ सांप सीढ़ी नहीं खेलना चाहता। अगर इतनी सी बात है तो मैं बोला तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूं। सच? हाँ, मगर मैं अपनी सांप सीढ़ी लाऊंगा और तुम्हें मुझे खेलना सिखाना होगा। ठीक है, मैं अभी अंदर से आया। लो अब मुझे खेलना सिखाओ। दोस्तों एक कॉमिक्स खत्म हुई तो ठीक ही थी। दोस्तों अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।